हेलो दोस्तों, हरीश शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर का नमस्कार। आइए आसानी से समझने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्चुअल सेलिंग। जब आप LIC एजेंट्स पार्टी के सामने बैठते हो, नॉर्मली हम फोकस करते हैं प्लान्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट माई अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट आप पार्टी को नीड क्रिएट कीजिए, पार्टी को उसको जरूरत समझाइए। वंस द पार्टी अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, नीड फॉर इंश्योरेंस, फिर उसके जरूरत के हिसाब से जो भी प्लान उसको फिट बैठेगा वो हिसाब से आप प्लान सजेस्ट कर सकते हो। सो डोंट फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर्स। तो ये नीड के ऊपर मैं कुछ चंद बातें आपसे करूँगा। अगर समझो क्लाइंट का एज 35 है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और उसकी बिटिया की एज 3 साल की है, 3 साल की बच्ची है, 35 साल का उनका डैडी है, ये एक फैमिली का स्ट्रक्चर है। अगर मैं उसको कोई भी प्लान सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे सालाना अगर वो 1 लाख का प्रीमियम मुझे देता है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 21 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म है, अगर वो हर साल 1 लाख का प्रीमियम मुझे देता है, 21 साल प्रीमियम पे करता है, तो लगभग 21 लाख का प्रीमियम पार्टी पेमेंट करेगा। उसमें हमारी LIC लगभग सालाना जितना वो प्रीमियम भरेगा उतनी बोनस भी जमा करेगी खाते में। उसका मतलब मैच्योरिटी में पार्टी का कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर अंदाजा 1 लाख रुपया होगा। 21 साल में पार्टी विल कंट्रीब्यूट 21 लाख, LIC का बोनस लगभग 1 लाख रुपया सालाना होगा। तो 21 साल में LIC 21 लाख की बोनस जमा करेगी, तो ऑलमोस्ट 42 लाख या अराउंड 42-45 लाख मैच्योरिटी में पार्टी को टैक्स फ्री पैसे मिलने वाली है। अगर यहाँ पे पार्टी कन्विंस होती है, देन डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द टर्म एक्सेट्रा, पार्टी को प्लान सजेस्ट कीजिए। अगर पार्टी यहाँ पे कन्विंस नहीं होती है, देन वी हैव टू मूव वन स्टेप फर्दर। पहला मैंने समझाने की कोशिश की कि बच्चे का एज 3 साल है, डैडी का एज 35 है, आज से 21 साल के बाद हर साल आप 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 21 लाख का होगा। इंश्योरेंस कंपनी हर साल 1 लाख की बोनस जमा करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी का कंट्रीब्यूशन 21 लाख होगा, आपका 21 लाख का कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी का 21 लाख का कंट्रीब्यूशन, दोनों मिला के लगभग 42 लाख का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी टैक्स फ्री करेगी आज से 21 साल के बाद, जब बिटिया का एज अराउंड 24-25 का होगा, उसका हायर एजुकेशन या उसका शादी के टाइम वो काम आएगा, या मे बी फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टी, डैडी के रिटायरमेंट में काम आ जाएगा। पार्टी मानती है, अच्छी बात है। अगर पार्टी नहीं मानती है तो हमें नीड क्रिएट करना पड़ेगा, पार्टी को उसकी जरूरत समझानी पड़ेगी। फिर मैं पार्टी को समझाता हूँ, सर आप पार्टी पॉलिसी लो या नहीं लो, आज से 21 साल के बाद आपकी बिटिया जो आज 3 साल की है वो 24 इयर्स की हो जाएगी। बच्चे का एज आज 3 साल है, अगर आप पॉलिसी नहीं भी लोगे, आज से 21 इयर्स के बाद बच्चे का एज 24 हो जाएगा। आपका एज 35 है, आप पॉलिसी लो या नहीं लो, आज से 21 इयर्स के बाद वो आपका एज 56 हो जाएगा। तो सर अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आज से 21 साल के बाद आप 55-56 एज के हो जाओगे, बच्चे 24 एज के हो जाएंगे। वो टाइम में आपको बच्चे का शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 40 लाख की जरूरत पड़ेगी, आपने कहीं ना कहीं सेविंग किया होगा तो अच्छी बात है। जैसा मैंने सजेशन दिया था, लगभग 20-21 लाख आप भरोगे, 20-21 लाख LIC कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, तो आपको एक लमसम फंड ऑफ 42-45 लाख मिलने वाली थी। अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप कहीं सेविंग भी नहीं किया होगा, तो आज से 20 साल के बाद जब आपको 40 लाख की जरूरत पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि बैंक के पास जाके लोन लेना है। एंड नॉर्मली फॉर रिटायरमेंट नो बैंक गिव्स द लोन, रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक लोन देती नहीं है। फिर भी चलो बच्चे का एजुकेशन के लिए आप लोन लेते भी हो, वो जो 55 के बाद जो रिटायरमेंट का एक आपका नजदीक आ रहा है, वो टाइम आप बैंक का लोन लोगे, बैंक का लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। अगला 15-20 साल जो आपका रिटायरमेंट का एज है, वो टाइम में आपको काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, ताकि आप ये बैंक का EMI चुकाओ। अगर वो टाइम में आप बैंक से 40 लाख का लोन लेते हो, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 20 साल का भी टर्म लेते हो, तो सालाना आपको 4 लाख का EMI आएगा। हर साल अगर 4 लाख का आप EMI भरते हो, तो आपको 20 साल में आपने जो 40 लाख का लोन लिया है, बट बैंक को आप 40 लाख के सामने हर साल 4 लाख चुकाओगे, अप्रॉक्सीमेटली नॉट एग्जैक्ट फिगर, तो 20 साल में आप 80 लाख का बैंक को पेमेंट करोगे। सर आप बैंक से 40 लाख का लोन ले रहे हो, जो रिटायरमेंट का एज है वो एज में आप काम कर रहे हो, और बैंक को 40 लाख के लोन के सामने हर साल 4 लाख का रीपेमेंट कर रहे हो, 20 साल में आपने 80 लाख का पेमेंट कर दिया, 4 लाख
पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स, जब 80 लाख का पेमेंट करते हो, आप बैंक से 40 लाख तो बोरो कर रहे हो और बैंक को 80 लाख का पेमेंट कर रहे हो, तो लगभग 40 लाख का बैंक को इंटरेस्ट चुका रहे हो। वेयर एज इन माई केस, आप LIC को 20 लाख रुपए दे रहे हो, 21 लाख रुपए दे रहे हो, LIC में 20-21 लाख बोनस जमा कर रही है। सर, आपका एक गलत फैसला, जो आज नई पॉलिसी ले रहे हो, जो LIC से मिलने वाला 20-21 लाख भी नहीं मिलेगा और आपको बैंक को 40 लाख का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग द पॉलिसी टुडे विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 60-61 lakhs। LIC का बोनस भी नहीं मिलेगा 20-21 लाख और आपको बैंक का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, सेव कीजिए ताकि आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छे से चले जाए। दिस इज हाउ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स, देन डिपेंडिंग ऑन पार्टीज एज, जो भी सूटेबल प्लान होगा आप सजेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस सेलिंग। मार्च का महीना है, अच्छे से काम कीजिए, बढ़िया बिजनेस कीजिए, आपका भी तरक्की हो, आपका क्लाइंट्स का भी तरक्की हो। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद आया, प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। जी हाँ, घंटी बजाना मत भूलिए। थैंक यू।